कोट टीजी में नियन यूज की निशानदही पर महकमा सेहत सेन एक्शन में आ गया है। हेपेटाइटिस, मलेरिया, गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ अमराज में मुबतला सलाम मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए हैं। इसी बारे में गुलाम अल्लाह सियाल ने रिपोर्ट तैयार की है। कोट डीजी में सैलाब के बाद मुख्तलिफ इमराज ने जन्म ले लिया। मुतासरीन मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ इमराज में मुबतला हो गए। न्यूज की निशानदेही पर महकमा सेहत सिंध होश में आ गया। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है मुतासरीन को चेकअप के साथ फ्री अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे डिहाइड्रेशन के बहुत ज्यादा पेशेंट है, हेपेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, मल्टीपल पेशेंट है जिसमें मलेरिया भी आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे हैं। कुछ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं। दूसरी जानब मुतासरीन का कहना है की हुकूमत बेहतर इंतजाम करे ताकि इमराज को मजीद फैलने से रोका जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट उनसे यही गुजारिश है की गेस्टो की जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो यहाँ पे लेके आओ, वो बच्चों को दे। खैमा बस्तियों में पनाह लिए सैलाब जदगान ने हुकूमत से तिबी इमदाद और खुराक फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सनाउल्लाह सियाल के साथ गुलाम अल्लाह सियाल, न्यू न्यूज़, कोट डीजी।